खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं साकीनाका के 90 फीट रोड पर। कहने को ये 90 फीट रोड ज़रूर है क्योंकि हमने इससे पहले भी आपको बताया कि 90 फीट जो है सिर्फ कहा जाता है, लेकिन असल में अगर ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो ये 15 से 20 फीट भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अवैध तरीके की पार्किंग और पार्किंग से होने वाली ट्रैफिक तमाम ऐसी समस्याएँ जहाँ पर जो है यहाँ के स्थानिक लोगों का विरोध भी है, लेकिन विरोध के बावजूद यहाँ पर किसी भी तरीके का देखरेख नहीं किया जाता, जिसके कारण टूर्स एंड ट्रैवल जो है इसके आड़ में पूरा रोड को कब्जा कर लिए। बात करेंगे यहाँ पे तमाम लोग मौजूद है, स्थानिक है और स्थानिक के साथ साथ एक चर्चित सोशल वर्कर भी है। क्या नाम है? गोविंद पांडे। जिस तरीके से ये 90 फीट जो है 15 से 20 फीट ही बचा है, और ट्रैफिक का जो मुद्दा है, इस मुद्दे पर किस तरीके की आपकी फॉलोअप है, क्या बात है? इससे पहले मैंने बहुत बार स्टेटमेंट इसके लिए दे चुका हूँ। ये 90 फीट 15 फीट भी नहीं, इसको 9 फीट रोड हम लोग बोल सकते हैं। और ये 90 फीट रोड के ऊपर बहुत सारे आंदोलन हो चुके हैं। यहाँ के आमदार ने आंदोलन किया है, यहाँ के कुछ सोशल वर्कर समाज सेवकों ने आंदोलन किया है कि इस रोड को बड़ा किया जाए, ट्रैफिक यहाँ के ट्रांसपोर्ट वालों को हटाया जाए, जो यहाँ पे अवैध तरीके से फुटपाथ पर कब्जा किया, आप देख सकते हो पूरा। और यहाँ पे स्कूल चालू हो चुका है, स्कूल की यहाँ पे आए दिन कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होता है। आज भी हमने एक एक्सीडेंट देखा है हमारी आंखों से, जिसकी फ़ोटोज़ हमारे पास है। तो आए दिन कुछ ना कुछ यहाँ पे होता ही रहता है, और ये ऐसा लगता है कि यहाँ पे राजनीतिक वालों का कुछ इसमें इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है, क्योंकि यहाँ दिलीप भाव साहब लांडे ने यहाँ पे ये आंदोलन कर चुका था। अगर ये आंदोलन किए तो इसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकलना चाहिए था, क्योंकि 5 से 6 महीना आंदोलन को हो चुका है। अच्छा, इस तरीके से जो ट्रैफिकें होती है, क्या उनकी गाड़ी कभी फंसती नहीं है ट्रैफिक में? ट्रैफिक में यहाँ पे कभी कभी तो ऐसा दोपहर के टाइम पे तो दो 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 घंटा लग जाता है, स्कूल जाने वाले बच्चे यहाँ पे इमरजेंसी में एम्बुलेंस भी नहीं जा सकती, दो दो घंटा एम्बुलेंस भी खड़े रहते, क्योंकि दोनों साइड से रोड पैक हो जाते हैं। कभी कुछ ऐसा बड़ा हादसा हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे बड़ा हादसा तो देखो आए दिन आप देखोगे, अगर 2 घंटे भी खड़े रहोगे तो कम से कम 2 एक्सीडेंट 3 एक्सीडेंट जरूर मिलेगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे पार्किंग का, कि यहाँ पे अवैध तरीके से साकीनाका 90 फीट रोड काजूपाड़ा और योगीराज स्कूल के पीछे जो अवैध तरीके से जो पार्किंग कर रहे हैं। कुछ दिन पहले खैरानी रोड के अंदर एक महिला का जो रेप केस हुआ था, वो उसी तरह की घटना दोहराई ना जाए, इसके लिए यहाँ पे जो अवैध पार्किंग है उसे सबसे पहले हटाया जाए, क्योंकि यहाँ पार्किंग के लिए यहाँ पे पार्किंग स्पॉट होनी चाहिए, ये सब चीज़ें यहाँ पे से रोड पे से हटाना चाहिए। अच्छा, ये जो तमाम टेम्पोएँ खड़ी रहती है और इस टेम्पो में कोई महिला के साथ छेड़खानी ना हो और कोई अपराधी गतिविधि ना हो, इसके लेकर के भी जो है आप कहीं ना कहीं पत्र वगैरह या इस आला अधिकारियों तक जाओगे? इससे पहले मैंने कम से कम 12-15 महीना पहले एक पत्र दिया था मेरी एनजीओ के नाम से, जीवनधारा संघ के नाम से, लेकिन उस पर कोई रिजल्ट नहीं आया। अब भी हम लोगों ने, लेकिन ये मुद्दा हमारे और कुछ सोशल वर्कर और पत्रकार, यूट्यूब चैनल वाले और भी मेरे सब सहयोगी लोग साथ में है, तो हम लोग अगर ये चीज़ें यहाँ बंद नहीं हुआ, ट्रांसपोर्ट वालों की धांधली और उसके बाद यहाँ पे अपना ट्रैफिक ये पार्किंग नहीं बंद हुआ, ये टेम्पो वालों की जो पार्किंग है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर 90 फीट रोड पर जल्द से जल्द आंदोलन करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक फुटपाथ का भी मसला है कि हम खड़े हैं लेकिन यहाँ पर फुटपाथ दिखती नहीं है, क्या कहें? देखो, यहाँ पे फुटपाथ का तो बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि यहाँ फुटपाथ पे तो आपको चलने की जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो गाला मालिक है वो जैसे कि वो फुटपाथ को भी खरीद के रखा है, क्योंकि वो फुटपाथ पर ये जिस तरह से स्टॉल, इनकी पार्किंग फुटपाथ के ऊपर, इनके रोजगारी यहाँ पे जो चलती है, ये चीज़ें बीएमसी या इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, ट्रैफिक ये वाले इस पर कोई पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करते, इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि फुटपाथ पब्लिक का है, गाले मालिकों का नहीं है। जिस तरीके यहाँ के स्थानिक जो है युवा समाज सेवक, इन्होंने पूरा बातचीत करते हुए कहा है कि अगर इसी तरीके से बंद नहीं हुआ तो हम अगला कदम सख्त उठाएंगे, और इसको लेकर के महिलाएं ने भी जो है आरोप लगाया था कि यहाँ पर जो तमाम टेम्पो खड़े रहती है यहाँ पर अपराधियों की गतिविधियों को तेज़ कर सकती है, क्योंकि साकीनाका का रेप कांड आप सभी ने सुना है कि सितंबर महीने के इस कांड ने पूरे मुंबई के लोगों को दहला दिया था, और ऐसा हादसा फिर ना हो और ऐसे हादसे को बढ़ावा ना मिले जिस तरीके से तमाम जो अवैध पार्किंग है उन पर कार्रवाई की जाए। अब ऐसी जो 90 फीट रोड है उसको 15 फीट 20 फीट करने के बाद क्या मुद्दा इसके बाद आगे तक जाता है, और किस तरीके से यहाँ के जनप्रतिनिधि इस मुद्दे पर ध्यान देते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल और एक आरोप भी लग चुका है। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। कैमरामैन जैन सैयद के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी, कुर्ला।